रमेश फिर से अपने बार में बिजी हो गए, मेरी भी तो कुछ मदद करो ना। देखो कितनी देर हो गई है, हमारे गेस्ट आने ही वाले होंगे। आज तो ये पार्टी रख के गलती कर दी हमने। क्यों घबरा रही हो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। तुम्हारा बार बन गया है ना, इसलिए तुम्हें सब कुछ ठीक लग रहा है। मेरा इतना काम बाकी है, उसका क्या होगा। मम्मी 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 देखो ना, ये मुझे मेरे खिलौने नहीं रखने दे रही है। मैं अपने बॉक्स कहाँ रखूँ? बेटा ये कल सुबह सोचेंगे ना। पापा सोने जाओ, गेस्ट सारे। बेटा जाओ, तुम बोलो ना इनको, जाओ जाओ। चलो गुड नाइट, गुड नाइट गुड गर्ल्स, चलो गुड नाइट, गुड नाइट बाय बाय। अरे बाप रे, ये लोग तो आ भी गए और कुछ हुआ भी नहीं है। ओ गॉड, बेल किसने बजाई? भाई साहब आपने बेल बजाई थी? अच्छा सुनिए, हम लोग यहाँ नए रहने आए हैं, आज ही आए हैं। आप भी इसी बिल्डिंग में रहते हैं? अच्छा कौन से फ्लोर पे रहते हैं? सेकंड फ्लोर पर? फर्स्ट फ्लोर पर? अच्छा अच्छा, तब तो ग्राउंड फ्लोर पर रहते होंगे, है ना? उसके भी नीचे। रीना किसे बात करिए, कौन है? वो भाई साहब अजीब आदमी है। कौन? पता नहीं कौन, कह रहे थे कि ग्राउंड फ्लोर से भी नीचे रहता हूँ। किसी ने मजाक किया होगा। आओ अंदर। हाँ चल। कमाल की पार्टी है और तुम्हारा घर भी बहुत सुंदर है। थैंक्स। आसपास की जगह भी बहुत अच्छी है, शांति ही शांति। इसीलिए तो आपसे पैक खरीदा है। और एक बनाओ। बनाओ यार बनाओ। अरे शीतल अकेले क्यों खड़ी हो? बच्चे कहाँ हैं? ऊपर अपने कमरे में, कहा तो था सो जाओ, लेकिन नया घर नया कमरा, पता नहीं धमा चौकड़ी मचा रहे होंगे। प्लीज सर्व कर दो ना। थैंक यू, मैं अभी हूँ। शुरू हो गया। कंपनी वाले तो कह रहे थे 2-3 दिन लगेंगे। ग्रेट। हेलो सोमेशिया। हेलो कौन बोल रहा है? इतना शोर मत मचाओ, नीचे लोग सो रहे हैं। जी आप कौन बोल रहे हैं? बोला ना इतना शोर मत मचाओ, नीचे लोग सो रहे हैं। बंद नहीं हुआ तो हमें ऊपर आना पड़ेगा। हेलो। अजीब आदमी था। अरे सुमित फोन के साथ क्या कर रहे हो? अभी तक कनेक्शन नहीं मिला है। नहीं मिला है, अभी एक फोन आया था। क्या कह रहे हो तुम? ये देखो अभी तक प्लग भी नहीं किया है तुमने। आज ज्यादा मत पीना। नो 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 प्लीज, आज टोकना उकना मत। अच्छा अच्छा तेरा ग्लास। मैं आपके लिए कुछ नहीं कर रहा। अरे यार अपना घर अपना होता है।
सुमित सर, सुमित कोई आ रहा है। कौन? पता नहीं, शायद तुम्हारे ऑफिस का कोई आदमी है, तो देखो उसको। हाँ, अभी वहीं बैठे हुए थे। टैंग टैंग, मेरा तो वर्ड हो गया। चल अब तेरी बारी। ओके, ये हो गया मेरा वर्ड। वेट, ऐसा कोई वर्ड नहीं है बुद्धू, स्पेलिंग है WAIT, वेट। ये दोनों अलग अलग वर्ड्स है। ओके ओके, तू झूठ बोल रही है, समझी ना? तू हमेशा चीटिंग करती है, प्लीज। मैं चीटिंग वीटिंग नहीं कर रही। ओके रुक, मैं तुझे ना अभी डिक्शनरी दिखाती हूँ। अच्छा ठीक है, ला दिखा। हमेशा रोती रहे हाँ तू। किताब ढूंढ रही हो बेटी? आओ चलो, मुझे दिखाओ। चल चल चल, मामा मामा, ये देखिए मामा। अरे बाप रे, ये क्या किया तुम दोनों ने? हमने कुछ नहीं किया, सब उस आदमी ने किया है। किस आदमी ने? कौन आदमी? कोई तो नहीं है यहाँ पे। तुम दोनों ने फिर से झगड़ा किया है ना? नहीं, कुछ नहीं किया, हम तो बस खेल रहे थे। खेल रहे थे, ऐसे खेल रहे थे। एक तो झगड़ा करते हो, ऊपर से झूठ बोलते हो। आप तुम लोग दोनों चुपचाप ये सब साफ करो और बाहर मुझे एक आवाज नहीं आने। मेरा बात तो सुनिए, मुझे कुछ नहीं सुनना है। हम सुबह बात करेंगे, ये साफ करो और चुप करके सो जाओ। कुछ बिल्कुल नहीं। साहब मान गए भाई, सबसे अच्छा फ्लैट खरीदा है आपने। मैंने घाटे में बेचा? कोई बात नहीं, आप खुश रहिए भाई। कहाँ घाटे में बेचा है, पूरे पैसे लिए? समय साहब, अगर आपका कोई दोस्त फ्लैट लेने में इंटरेस्टेड हो तो मुझे जरूर बताइएगा, वो भी खुश रहेगा, सस्ते में बेच दूंगा उसको। श्योर श्योर, लेकिन थैंक यू सर। आपस में लड़ती है, ऊपर से बेकार की बातें बनाती है। मीनल इतना झूठ बोलने लगी है ना, और सिमी ने उसकी कॉपी करना शुरू कर दिया। ना बच्चे हैं, शरारत करते रही। सिमी तू वहां क्या कर रही है? मैं सुन रही हूँ नीचे क्या हो रहा है। तुझे क्या करना है, चलो जल्दी से जाके सो जाओ। मम्मी आ गई ना तो तू बहुत डांट खाएगी। तुझे सोना है ना तो तू सो जा, समझी? मुझे नहीं सोना है, बस मुझे नींद नहीं आ रही है। तुझे पता है कितना टाइम हो गया है? 11:30 बज रहे, जल्दी से आके सो जाना, तो मम्मी से कह दूंगी। बढ़िया है, शिकायत करने वाली चमची कहीं की। कॉमिक्स वॉमिक्स नहीं अभी, मैं लाइट बंद कर रही हूँ। अरे पर मुझे तो पढ़ना है ना, मैं पढ़ रही हूँ। कोई कॉमिक्स वॉमिक्स नहीं, गुड नाइट। गुड नाइट। Very good, yeah, very good. Yeah. All right, good, yeah.
अरे नहीं यार, प्लीज कम ऑन ना। एक एक और कम 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 प्लीज 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 कम कम साइलेंस 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 विनोद और एक धुन बजा रहा है। एक और कम ऑन। ये क्या मजाक है सोमेश, तुम हमेशा ही कोई ना कोई नाटक करते रहते हो। अरे यार मैंने कुछ नहीं किया, मैं खुद नहीं जानता कि ये आवाजें कहाँ से आ रही है। अरे छोड़ना यार, बहुत रात हो गई, निकलते हो। अरे ऐसे कैसे, और थोड़ी देर रुको। नहीं बस अब चलते हैं। थैंक यू रीना, बाय सोमेश। चलो भाई चलो चलो। यहाँ से निकलते हैं, मुझे लगता है सर वो सब फिर से शुरू हो गया। मैं चलता हूँ, बहुत अच्छी पार्टी थी, मजा आ गया। अरे तब तो थोड़ी देर और रुकते। नहीं यार बहुत देर हो गई, अब चलता हूँ। अच्छा घर कैसा लगा? घर बहुत अच्छा है रीना, और ये बिल्डिंग भी बहुत कमाल की है। मैं तो खुद सोच रहा हूँ कि यहाँ एक फ्लैट ले लूँ। जल्द से जल्द कर लो, तो रोज शाम पार्टी करेंगे। बिल्कुल करेंगे, लेकिन रीना से पहले पूछ लेना। अरे नहीं, यू वेलकम। ओके बाय। ये लिफ्ट तो अभी खाली थी, आप कब आए? आपको नीचे जाना है या ऊपर? हम तो बहुत पहले से ऊपर जा चुके हैं। वो आदमी कहां गया? अभी तो अंदर ही था। ठीक
सुमेश, मुझे ये घर बड़ा अजीब सा लग रहा है। क्यों, क्या हुआ? पता नहीं क्यों थोड़ा डर सा लग रहा है। डर? कैसा डर रीना? यहाँ सब कुछ बिल्कुल ठीक है। वो क्या है रीना कि हाँ, नए घर में सेटल होने के लिए थोड़ा समय तो लगता ही है ना। सुमेश, वो तालियों की आवाज कहाँ से आई? हाँ, लगता है कुछ लोग बाहर से सुन रहे होंगे, मजे ले रहे होंगे। सुमेश, तुम्हें याद है मैंने पार्टी में कहा था कि एक आदमी आया है शायद तुम्हारे ऑफिस से? वो आदमी कहाँ गया? वही तो, कहाँ गया वो? कितना अजीब, एक आदमी आया और फिर अचानक से कहीं गायब हो गया। नहीं, मुझे लगता है कि वो गलत पते पे आ गया होगा। मालूम पड़ने के बाद चुपचाप चला गया। चलो सो जाते हैं। डरो मत बच्ची, मैं हूं। कौन है? कोई नहीं है। देखो, मैंने कहा था ना तुमने जरूर कोई बुरा सपना देखा होगा, ऐसे ही डर गई। नहीं पापा, वो लड़की यही थी। अच्छा तुम दोनों यही रुको, मैं सिमी को लेकर आती हूँ। क्या हो गया बेटा तुम लोगों को? Hey, इतना डरना नहीं चाहिए, तुम बहादुर बच्चे हो ना। सिमी, सिमी आओ, देखो तुम्हारे कमरे में कुछ भी नहीं है। सिमी, क्या हुआ बेटा? ये खांसी, तुम ठीक तो हो ना? हाँ?
बिल्कुल ठीक हूं। कई साल के बाद आज पहली बार ठीक हुआ हूं। सुमेश, सुमेश जल्दी आओ। क्या हुआ? सुमेश, जल्दी जल्दी। सीमा, अजीब अजीब बातें कर रही है। आदमी की आवाज से बोल रही है। तुम खुदा के सुनो, सुनो ना। देखो क्या हुआ तुम्हें? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? हाँ डैडी, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। अरे इसकी आवाज तो अभी खास नहीं थी सुमेश, साशा आदमी की आवाज में बात कर रही थी। ऐसे कैसे हो सकता है रीना? देखो रीना, हमने जगह बदली इसलिए सब लोग थक गए। एक काम करते, आराम से सो जाता, कल सुबह तक सब ठीक हो जाएगा। हमें बहुत डर लग रहा है, प्लीज माफी कर देना सुमेश। ओके ओके, हम सब साथ सोएंगे। ओके ठीक, चलो चलो कौन हो तुम? कौन हो? ये कोई बोलता क्यों नहीं? कौन हो तुम? कौन हो? बिल्डिंग के लोग हैं भाई। अरे तुम तो नए घर की पार्टी में हमें बुलाना ही भूल गए, इसलिए हम लोग खुद ही चले आए। दरवाजा तो बंद है, लोग अंदर कैसे आ गए? इस घर का कोई भी दरवाजा हमें अंदर आने से नहीं रोक सकता। जिलो, जिलो, और हमारे साथ मिल जाओ। देखते क्या हो जिलो? सुमेश क्या कर रहे हो तुम? ये सब लोग कहाँ गए? कौन लोग? यहाँ पे बहुत सारे लोग थे, गाने वाने चल रहे थे, कुछ लोग यहाँ पे खा पी रहे थे, पार्टी चल रही थी। ये तुम क्या कह रहे हो? दरवाजा बंद है, इतने सारे लोग अंदर नहीं आ सकते। हाँ मैंने उसे यही पूछा, लेकिन उसने कहा कि हमारे घर का कोई भी दरवाजा उन्हें अंदर आने से नहीं रोक सकता। सुमेश बस प्लीज, प्लीज प्लीज मुझे मत डराओ, तुम भी ऐसा मत करो प्लीज। प्लीज सुमेश, सुमेश मेरी बात सुनो। बच्चे कहाँ भागे जा रहे हो भाई? आप कौन हैं? हम इसी फ्लोर पर रहते हैं, वहां ऊपर क्या हो रहा है?
आपके फ्लैट से भयानक आवाजें आ रही हैं। हाँ ऊपर हमारे फ्लैट में है, अजीब अजीब बातें हो रही थी मेरे बच्चे मेरे। अच्छा कैसी अजीब बातें? आप लोग परेशान लगते हैं, हमारे फ्लैट में आए और इत्मीनान से बताएं कि क्या बात है। दरवाजा तो बंद है। कोई बात नहीं। बेटी यहां नहीं है। कौन बोल रहा है? कौन है? मीना तुमने किसी को देखा? सिमी सिमी बेटा मामा को आवाज दो बेटा। सिमी मैं बोल रहा हूं ना, तुम्हारी बेटी यहां नहीं है। ये आवाज तो वहीं से आ रही है जहां जहां तुम खड़ी हो। मैं ही बोल रहा हूं, तुम्हारी बेटी यहां नहीं है। Come here.
कौन कौन तुम लोग? ये है चूली, सारा जोसेफ, जॉन डिकोस्टा, पीच, विंसेंट, रॉबर्टो। और मैं हूं एंड्रयू चिदिमा। हम सब लोग यहां रहते हैं। तुम यहां आकर हमसे हमारी जगह छीनना चाहते? ये बिल्डिंग तो खाली है। खाली होगी तुम्हारे लिए। हम लोग तो यहां कई सालों से रहते हैं। मेरी ये बिल्डिंग मैंने तो सिर्फ एक साल हुआ है। बिल्डिंग बने एक साल हुआ है, लेकिन हम लोग जहां रहते हैं वो जगह कई सालों से है। कौन सी जगह? खबरिस्तान। कि 50 साल पुरानी है, ये कैसे हो सकता है? पापा, पापा, पापा,
रीना, रीना, ये जगह हमारी है। बिल्डिंग बनने से पहले भी ये जगह हमारी थी और अब हम लोग यहाँ के रहने वाले हैं। हमारे अलावा यहाँ और कोई भी नहीं रह सकता। अगर तुम्हें हमारे साथ रहना है तो यही एक जगह है। हमें जाने दीजिए, इसमें हमारी कोई गलती नहीं है। हमें मालूम होता तो हम लोग यहाँ नहीं आते थे। प्लीज प्लीज हमें जाने दीजिए। सुमेश, हम लोग वापस यहाँ कैसे आ गए? कुछ समझ में नहीं आ रहा है, क्या हो रहा है? देखो, वो लोग हमें मौका दे रहे हैं। चलो भाग चलते, चलो 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 भाग चलते, चलो 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 जल्दी। मेरा ख्याल है रेट भी ठीक है, पर अभी तक एक भी फ्लैट क्यों नहीं बिका? मैडम, फ्लैट बेचने में टाइम तो लगता ही है, पर फ्लैट एकदम बढ़िया है, फुल्ली मार्बल। जाओ दिखा के। चलिए, ओके। वन मिनट। सर, सर। क्या बात है? सर झूठ क्यों बोलते हैं? क्यों ना उन्होंने पहले से बता दें कि पहले यहाँ एक कब्रिस्तान हुआ करता था। सर वो पिछले वाले आदमी आधी रात को ही भाग गए थे सर। अबे चुप, दिमाग खराब हो गया तेरा? अगर अभी से बता दिया तो फ्लैट कौन खरीदेगा? बेवकूफ, अच्छी तरह फ्लैट दिखा देना, ये ग्राहक वापस नहीं जाना चाहिए, समझा? ठीक है। कौन हो तुम? ऐसे और भी मजेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।